बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरी ऑफिस से होंगे, सेहतमंद और तंदुरुस्त वाला होंगे इंशाल्लाह। तो आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन नाम से मेरी उसमें से नाराजगी चल रही है। मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं पिक कर रही, घर जा रहा हूँ, घर नहीं मिल रही, रात को भी मैं गया हूँ घर, अभी घर से नहीं मिले। तो आप सुबह उठ गए हैं, मुझसे की बात कराई है किसी के मोबाइल से, तो बात की जो बात होगी वो जो आपस में बात हुई वो भी मैं आपको रिकॉर्डिंग कर दी, मैंने वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो चलें चलते हैं दुकान पे इंशाल्लाह ताला। वो कह रहे हैं जी अब बिना हो शाम को आगे मिलना, तो अभी हम दुकान पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, शाम को मिलेंगे फिर आपसे शेयर करेंगे क्या गिले शिकवे हैं उनको, उनसे वो जो करेंगे इंशाल्लाह। जी व्यूअर, रात भी मैं घर गया था तो मैं सो चुके थे, दरवाज़ा नो किया कि 10-15 मिनट खड़ा हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोला किसी ने। तो अब मैंने सुबह कोशिश से रिक्वेस्ट की है कि जी आप बात करें, तो फिर उसने बात की है तो उसने कहा कि भाजी वो नाराज़ है आप, तो मैंने मुझे नहीं पता वो मैं लो आप लोगों से शेयर करूँगा कि उन दोनों की आपस में क्या बात हुई है। तो मैंने फिर उसके बाद कॉल के बाद उन्होंने कहा जी इन्हें भाजी से बात कर, तो मैंने बात की तो कह रही हैं आप सुबह ना आना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो शाम को जब आप जाओगे तो फिर मुझे मिलते जाना। तो बात भी इतनी खास नहीं थी, छोटी सी बात ही, थोड़ा सा मैं अपर हुआ, ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई है मैंने। तो जो वो मैं वो अब स्कूल जाऊँगा इंशाल्लाह ताला उसे मिलने, मैंने कहा था आप शाम को आए। तो जो वाक्य जो लम्हे होंगे जो आपसे मैं शेयर करूँगा, जैसे मैं स्कूल जाऊँगा मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं स्कूल आ गया। तो इंशाल्लाह ताला अब थोड़ी देर तक, अब मगरिब का नमाज का टाइम हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला रात को दुकान बंद करेंगे तो फिर जुम्मा के बाद जाएंगे, फिर आपसे भी शेयर करेंगे क्या बातें। मैं जी मुझे याद आए कि मैं याद रहा हूँ सुलह करने के लिए, तो मैंने कहा कोई ना कोई चीज़ ले कर जाता हूँ, गिफ्ट ले जाता हूँ छोटा सा। तो मैंने कहा याद आ गया जन्म से कोई चीज़ ले जन्म जनते हैं उसके लिए कुछ चीज़ भी लेते हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बंदी? शुक्र अल्लाह का, तबीयत ठीक है? मेरा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मुन्ना भी ठीक है। गई मेरा स्कूल? नहीं, आज संडे है। काका ठीक है? हाँ जी। मुझे गार्डन के अंदर आ गए, इससे पूछ लो खुद ही। नहीं टेंशन है, मैं कराती भी नहीं टेंशन है, कल रहने के लिए क्यों नाराज है पूछ लो। तुम मैनू समझाते तुम आप नाराज हो गई है, नाराज भी गल नहीं, बस सारी जिंदगी दी लड़ाई है। चलो जी छो हम तुम, मैं वैसे चले जाना फिर बैठे रहना आराम ना सारे। इंज जना को जी की गल की खैर है, नाराज क्यों हो? नाराज बस एदिया लड़ाइया तो मैं तंग आ गई। तंग आ गई? हाँ जी। कुछ नहीं होता लड़ाइया है तू थले की करना मैं शराब जी
बस मैं दोबारा कदी मेरे ना बदतमीजी और लड़ाई ना करे बस कहो गल तो करो फिर ही गल ही नहीं कर दे जी कह रहे मैं फोन भी कर दे रहे चुक दी जी करवाओ गल थोड़ी सिफारिश लेके आ गए नहीं मैं आप खुद गया वालेकुम सलाम खान जी अब तो मैं दूसरी बेगम की जरूरत पड़ गई है मैं बात करने के लिए मुझे दोनों की जरूरत है मैंने दूसरी बेगम की जरूरत है आपको इतनी गल अपने फोन नहीं टहन गया मेरी मर्जी मैं करूँ ना करूँ हाँ जी मर्जी आपकी चले जी मैंने उठ गई हाँ जी उठ गई बहना चले ठीक है मैं आता हूँ और अभी मैं आया हूँ स्कूल उसमें नाराज थी कोई बात भी नहीं आई हुई मैं थोड़ा सा हैपर हो गया गुस्सा आ गया फिर मैं चला गया दुकान में पता नहीं जाग रहे या सो गए अस्सलाम वालेकुम अभी भी नाराज है मैंने क्यों ना तेरे से नाराज व्यूवर तो आपका कह रहे हैं जी आप नाराज हो गए हैं उज्मा से क्यों हैं मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं आप ही बताएं क्या बात मैं है नाराज नहीं मैंने क्यों नाराज होना बस मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया मैंने तो कुछ भी नहीं इतना कहा मैं खामोश हो गया बस गुस्सा गया और मैं चला गया जी कोई इतनी खास बात नहीं है चेहरे के ऊपर डाल रहे हो रोशनी क्या है मैंने आप व्यूवर कह रहे थे आप नाराज हो गए नहीं नाराज इनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें आगे शेयर भी कर दें और इनके ब्लॉग्स देखा करें या अपनी दूसरी बेगम के साथ आया करेंगे दबंग करके ब्लॉग बनाया करेंगे इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कौसर के साथ ये होंगे और उनके साथ ही रहते हैं हमारे पास इधर जगह बहुत कम है जब हम कभी अपना घर बनाएंगे फिर हम पूरी फैमिली इकट्ठे हो जाएंगे ऊपर नीचे सात सात कमरों में जो भी यहाँ पे ये जगह है यहाँ पे मैं और मीरब होते हैं वो सामने मुन्ना सोया हुआ है तो हम तीनों माँ पुत्र और बेटी जो है ना इधर सोते हैं तो ये भी जा रहे हैं उधर अपने घर कोई हुई थी थोड़ी सी लड़ाई कोई लड़ाई नहीं इनसे बस कोई मैं फिर हो गया इसकी वजह से मैं चला गया कुछ इनको ना बीपी का मसला है जब हाई हो जाता तो मेरे पे बर्स पड़ते हैं फिर मैं भी कल बर्स पड़ी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये देखें तो जहाँ जहाँ भी लोग हैं उनको लड़ना नहीं चाहिए बीपी हाई भी हो तो वजू कर लें नमाज पढ़ लें नफल पढ़ लें अल्लाह से दुआ मांग लें तो मैंने यही किया मैं नमाज पढ़ ली नफल पढ़ना चाहिए जब बीपी हाई हो तो ये भी एक पते की बात टोकन जो है ना वो आपको बता रहे हैं छोटा सा टोकन है कि आपने वजू करना है और नफल पढ़ लेने और जब बहुत गुस्सा आया हो ठंडा पानी पीना है और वजू कर लेना और दुरूद पाक पढ़ना शुरू हो जाना हाँ। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए अल्लाह का कलाम पढ़े जी तो मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ अब ये नमाज पढ़ने लगी तो अब आपसे मैं चाहूंगा इजाजत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको हमारे ब्लॉग पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला ये छोटी सी लड़ाई थी कोई नहीं अब मसला हल हो गया मैं आ गया हूँ इसके पास तो आप मेरे मजीद चैनल को लाइक एंड शेयर एंड फॉलो करें ताकि हमारे आने वाले क्या आयो करना खैर हाँ जी खैर आपको पता है मुझे बीपी आई हो जाता कभी कभी आकर हो जाता कोई लड़ाई नहीं मैं ठीक है आ गया अच्छा लड़ाई नहीं तुम्हें की मम्मी घर आ गए मुझे मम्मी घर जा रहा हूँ दूसरे देखे लड़ाई करके ना मुझसे तो चले गए थे और आज घर आ गए तो अब दूसरे घर जा रहे नागन बन गई मैं तो नागन नहीं बनी अल्लाह खैर करे तुम मुझे लगता है नाग बनते जा रहे हो कोबरा नाग ये तुम्हें कोबरे ने काटा था
इसलिए तो कोबरा नाग बन गया ना। हाँ क्यों आयो? खैर कल तो बड़ा लड़ाई कर रहा था, कल तो बड़ा लड़ाई कर रहा था, कल तो बड़ी लड़ाई कर रहा था। फिर ना कहीं क्या मुझे ये क्या दिया? चल कोस्टर के पास लोहे का गार्डन नहीं, कोस्टर के पास चलो। हाँ जी जा रहे हो आप? मिलेंगे घर जा, दुकान से आया हूँ जब घर जा रहा हूँ तो इसे मिलता हो जाऊँ, परेशान हुई हुई थी मैं, दादी नहीं मैंने पता जी। अब मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसको मजीद देखें और फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं बीमार अब बीमार हूँ तो मेरे से अब इतना काम जाम नहीं होता, हाथ पाँव तो बहुत ज़्यादा दर्द होने शुरू हो जाते हैं जब मैं घर जाता हूँ। तो मज़ीद आपसे यही गुजारिश है कि हमारी वीडियो को वॉच करें और आगे शेयर करें, और अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अब इन दोनों को मिला के